एक प्रधानमंत्री जी का दोस्त है जिसका नाम है अडानी, जो इस वक्त एशिया का सबसे मालदार आदमी हो गया है 5 साल में। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। किसान एक बार फिर सड़कों पे हैं। आज दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है और किसान जो है परेशान है। इससे पहले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर पीएम मोदी पर बरसे हैं। क्या उन्होंने कहा है आप सुन करके ताज्जुब करेंगे। जरा सुनिए सत्यपाल मलिक को। खाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा कि दिल्ली के बॉर्डर पे किसान पड़े हुए, और किसान नहीं थे, मैंने बताया प्रधानमंत्री जी को कि इन्होंने एक एक आदमी 40-40 गांव का चौधरी है वो पड़े हुए थे, 700 लोग मर गए। दिल्ली से अगर कोई कुतिया भी मरती है तो उसके लिए भी शोक संदेश जाता है, उनके लिए कोई शोक संदेश नहीं गया। तो मेरे से रुका नहीं गया और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने चला गया। अखबार वाले भाइयों को मैं कहूँगा कि इसको वो दूसरी तरह से माने। कई बार वो लिख देते हैं कि सतपाल मलिक ने प्रधानमंत्री पे हमला किया, वो नहीं है, लेकिन जो सच है वो मैं कहूँगा। मैं गया और मैंने उन्हें कहा कि साहब ये साल भर हो गया इनको पड़े हुए, इनको कुछ ले दे के निपटा दीजिए। उन्होंने कहा सतपाल चले जाएंगे तो हम क्यों फिक्र कर रहे हो। उन्होंने बहुत हल्के में लिया उस बात। मैंने कहा साहब आप इनको जानते नहीं हैं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे, ऐसे ही नहीं जाने वाले। तब उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया। बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी और वो कानून भी वापस किए, लेकिन हमारा काम उससे नहीं बनने वाला। जब तक MSP लागू ना हो और उसको कानूनी दर्जा ना मिले, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो अभी अगर MSP को लागू नहीं किया तो मैं आपके यहाँ इस माध्यम से, इस जगह से, इस पुण्य धरती से ये कहना चाहता हूँ कि दोबारा लड़ाई होगी और इस बार जोरदार लड़ाई होगी। किसान, इस देश के किसान को आप पराजित नहीं कर सकते हो, उसको आप डरा नहीं सकते हो, चूँकि उसके ईडी नहीं भेज सकते, उसके इनकम टैक्स वाले को नहीं भेज सकते, उसको काहे से डराओगे, वो तो पहले ही फकीर है, उसको तो कहीं का छोड़ा ही नहीं आपने। तो वो लड़ेगा और MSP लेके रहेगा। MSP लागू इसलिए नहीं हो रही, एक प्रधानमंत्री जी का दोस्त है जिसका नाम है अडानी, जो इस वक्त एशिया का सबसे मालदार आदमी हो गया है 5 साल में। मैं एक दिन, मुझे आना पड़ता है, जब यहाँ आता हूँ तो मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आता हूँ। गुवाहाटी एयरपोर्ट पे मुझे सजी संवरी लड़की मिली गुलदस्ता लिए हुए। मैंने पूछा बेटे आप कहाँ से, उसने कहा कि हम अडानी की तरफ से आए। मैं कहा अडानी का यहाँ क्या मतलब। तो उसने, जैसा कि आपने सुना, बोल रहे हैं कि अडानी जो एशिया का सबसे अमीर आदमी हो गया है वो पीएम मोदी का दोस्त है, इसलिए MSP नहीं लागू हो रही है। और जिस देश का किसान खुशहाल नहीं रहेगा वो देश कैसे खुशहाल हो सकता है। किसान यदि अब की बार आंदोलन पे उतरे तो फिर तब तक नहीं उठेंगे जब तक MSP लागू नहीं होगी। सतपाल मलिक ये कोई पहली बार नहीं बोले हैं। सतपाल मलिक किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तब से लेकर के और जब पिछले साल ख़त्म हुआ है तब तक, 1 साल तक बोलते रहे थे, प्रधानमंत्री से मिलने गए थे तब भी बोले थे। और ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? आंदोलन शुरू हुआ था 2020 नवंबर में, और ख़त्म कब हुआ? चुनाव से पहले ख़त्म हुआ था। और बीच बीच में उनके बयान आते रहे, माने नहीं, रुके नहीं। कश्मीर के एक मसले को लेकर के, जिसमें 3 फाइलें उनके सामने आई थी, पैसे की पेशकश की गई थी जैसा कि उनका दावा है, उसकी CBI जांच चल रही है। सवाल ये भी उठते हैं कि BJP से होकर के गवर्नर हैं, इस तरीके से अटैक करते हैं, लेकिन आखिरकार कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों नहीं होती है, आखिर किस बात का इंतजार है? तो कहने वाले कहते हैं कि आएगी बारी थोड़ी देर से। वो बात, वो एकदम अलग बात है। और अभी जो सतपाल मलिक ने जिस तरीके से बोला है वो एकदम अलग, इतना करारा हमला तो विपक्षी भी करने में कई बार सोचते हैं, लेकिन सतपाल मलिक
बोलते हैं और बोलते हैं तो रुकते नहीं है। राइनब अखबार, देखते रहिए इनखबर। थैंक यू। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें।